हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं तेरी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मेरी आज दिन की शुरुआत अभी हुई है और गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। और गाइस जब मैं उठी ना तब तक तो अर्शवीर को मतलब लेट हो रहा था, वो फटाफट रेडी होकर चला गया, इसलिए मैंने सूट नहीं किया। दीदी ने बोला अभी तो सूट वगैरह मत कर, फटाफट इसको रेडी करके पहले इसको मैं छोड़ के आती, फिर उसके बाद कर लूँ। तो गाइस बच्चा अपना चला गया है स्कूल क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और गाइस अभी मैं चाय बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, चाय बन रही है हमारी, मस्त चाय पियेंगे हम। हमारी दिन की सुबह चाय से आज हो रही है और साथ में बिस्किट वगैरह खाएंगे, चाय पियेंगे और थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह। तो दादी इन लोगों सारे उधर बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस ये लोग मैं आ गई रूम में, उधर थी इसीलिए। और ये मेरी दादी लोग बैठी हैं, देखी कैसे दीदी दीदी बातें कर रही हैं। गुड मॉर्निंग, बिना देखी गुड मॉर्निंग। मम्मी दादी बात कर रही है, एक खेबड़ी बैठी है, ये वाली दादी सबसे अच्छी, बहुत अच्छी है, सबसे अच्छे तरीके से बात करना, प्यार करना, बहुत अच्छी है वो। एक क्या बोलूँ यार, अपने से बड़े को ऐसे बोलते नहीं है, छोड़ हटाओ। ये हमारी चाय और गाइस ये नानी जी के कपड़े हैं जो कल लेकर जाने हैं, और ये लीजिए सोई है। गाइस चाय पानी पीना तो हमारा मस्त हो गया, दादी को अर्शवीर को लेने आप टाइम देख सकते हो। अर्शवीर का 11:30 छुट्टी है और बाबा जी का पाठ चल रहा पीछे। और ये देखो लगी दोपहर की खाने की तैयारी करने, देखी की बना रहे हो, चावल बन रही है भाई साढ़े, आलू भुजिया आ मम्मी जी दादी जी, आओ मेरी कुत्ती, आ मेरी कुत्ती मतलब आ मेरी लीजा, आ मेरी दीदी है, आ मेरी बड़ी मम्मी है, हमारी पार्टी हो रही है। गाइस आज खाने में बन रहा है दाल चावल आलू भुजिया और साथ में कुछ फ्राई वगैरह दही है। और तो गाइस बड़ी मम्मी ने गला पंजाबी भी गुजर है, बातें कर रहे हैं, साथे चल रही है मस्त इनकी, बाबा जी का पाठ चल रहा है। तो गाइस अब करते फटाफट घर के काम। तो है गाइस फाइनली घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अभी मैं टोटली फ्री हो चुकी हूँ। यहाँ पे गाइस पता नहीं मीटिंग वीटिंग पता नहीं चलती रहती है। और दादी उन लोगों का खाना हो गया, छोटी वाली का हो गया, बड़ी वाली खाना खा रही है। आई थिंक आपको यहाँ से दिखता हो खाना बढ़िया। तो गाइस अभी ये स्कूल से आ गया है, दीदी अर्शवीर का पेपर लिख रही हैं और ये ऑल टाइम फिल्में फिल्मी गाने ये वो ऑल टाइम, बस इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है इसको। और ये देखो ये मेरी लीजुआ घूम रही है इधर उधर, अभी गाइस नीचे भाग गई थी, बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ मैं। गाइस अभी तो फिलहाल अभी खाना पीना खाते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ, भूख के हमारे पेट में। तो गाइस मस्त हमने खाना पीना खा लिया, सब कुछ हो गया कंप्लीट, किचन वगैरह से मिटना खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हुआ। और गाइस खाना आज दीदी ने बहुत टेस्टी बनाया था, दाल चावल आलू भुजिया दही वगैरह सब कुछ था तो हमने खाया। और गाइस यहाँ पे ना सुबह से इतना धूप था, इतनी गर्मी थी कि बस पूछो ही मत। और अभी अचानक से देख रही हूँ मैं बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दीदी बैठी हैं सेम, अर्शवीर घूम रहा है इधर उधर, और ये सी गाइस देख सकते हो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है सी। और ये आप देख सकते हो बुलबुले उठ रहे हैं गाइस, इसका मतलब बारिश काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। सी गाइस ऊपर आसमान में देखो, आसमान में तो कुछ नहीं दिखने वाला, ये हरे हरे पेड़ पौधे, गाड़ियाँ जा रही हैं, बारिश हो रही है बहुत खतरनाक वाली। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी प्लांट्स को पानी मिल रहा है। ओ नो शिट, मेरी तुलसी माता को क्या मुरझा गई। जय माँ तुलसी, हरी परी रहो, खुशी रहो तुम। और ये गाइस स्नेक प्लांट भैया लाए थे बहुत दिन पहले, मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने आपको दिखाया नहीं, आई एम सो सॉरी। और ये हमारा मनी प्लांट आप देख सकते हो। और बारिश तो बाप रे बाप,
अचानक से गाइस स्टार्ट हुई है, अचानक से बहुत तारीफ लग गया है गाइस। तो फाइनली यार अभी बारिश रुकी है, पिछले 2-2.5 घंटे से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, वो भी स्पीड में गाइस, थोड़ा मतलब धीरे नहीं हो रही थी, इतना स्पीड गाइस बारिश हुआ ना यहाँ पे हमारे कई से एरिया में ना गाइस, इतने घुटने के जितने बराबर पानी खड़े हो, मतलब जम चुका है। और अभी तो फिलहाल गाइस बड़ी दादी थोड़ा बाहर गई है, मार्केट गई है, आई थिंक उनके घर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदने, तो वो जाने से पहले गाइस दूध वगैरह मस्त बॉयल कर दिया, चाय बनाया, सबको पिला दिया, खुद भी पी लिया, मैंने भी पी लिया। आपको दिखाती हूँ चाय वगैरह पड़े हैं बर्तन इतने सारे, वो साफ़ करने, और गाइस देखो मस्त दादी ने दूध वगैरह बॉयल कर दिया है, और आई डोंट नो कि रात को क्या बनाना है, वो तो दीदी डिसाइड करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ हर्षवीर के स्कूल वाले कपड़े वॉश करने, और सेकंड मेरे को नहाना है, तो मैं आपको मिलती हूँ नहा धो के बाद। तो हे गाइस फाइनली मेरा हुआ नहाना कंप्लीट, और अभी मैं मस्त फील कर रही हूँ नहा के, और सवेरे के जितने कपड़े वगैरह थे सब मैंने मस्त ढंग से वॉश कर लिए, स्पिन कर लिया करके, सूखने भी डाल दिए, और अभी मस्त नहा वहा के भी मस्त बाल वगैरह मस्त सुखा लिया मैंने। और गाइस मैंने ना अभी पता है एक और इंटरनेट आइडिया लगाया है, वो पेन का इंक लगा के ना वह गाइस इस नेल पे ना मैंने थोड़ा डिज़ाइन कर दिया, देखो डिज़ाइन कर दिया अभी दोनों पे कर दिया था, दिखाती हूँ देखो दोनों पे कर दिया था। तो गाइस अब बताना कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं। और गाइस अभी मैं बाहर निकली ना तो वर्षवीर ने बताया कि पापा आ रहे हैं, मतलब भैया आ रहे हैं, तो अभी टाइम ना वेस्ट करके खाने पीने का देखते हैं, खाना पीना फिर कर क्या बनाना है दीदी को पूछती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो है गाइस फाइनली मैंने सब्जी वगैरह बना लिया, ठीक है भैया आने वाले हैं, अभी कॉल करके बोला मैं 10 बजे तक आऊँगा, 9:30 बज चुका है, 38 हो गया, 9:38, और बड़ी दादी उन लोगों ने खाना खा लिया। गाइस लीजू ने आज दिन में ढंग से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने उसको खाना दे दिया, इसने भी खा लिया। और जब मैं रोटी बना रही थी ना गाइस, तब दीदी ने रोटी अर्शवीर को खिला दिया, अर्शवीर गाइस सुबह एग्ज़ाम है, तो इसलिए दीदी ने उसको सुला भी दिया, मतलब आज का कोई टाइम टेबल का है नहीं, अभी तो इतने देर तक पढ़ाई करा करते हो, फिर अभी आज जल्दी टाइम से सब कुछ करके उसको सुला दिया। मैं आपको दिखाती हूँ अपने बर्तन खुद धो दे रही है, और गाइस ये मेरे वास्ते है, ये रोटी बना कर रखी है, ये चावल ना सॉरी सब्जी, और एलिजा का खाना मैंने बना लिया है, थोड़ा सा खा लिया है इन्हें गाइस। तो छोटी दादी तो मतलब पूछो ही मत, तो कब से सो गई है, और ये बड़ी दादी अब सोएंगी, और एलिजा इधर उधर घूमती फिर रही है, उसको पता है कि आज पापा आने वाले हैं, तो इसीलिए ये देखो गाइस ये झाड़ू अर्शवीर ने निकाला पूरे रूम से इकट्ठा करके रखा हुआ है, और बच्चा अपना सो गया, अभी दीदी जाग रही है, अर्शवीर सो गया, और बड़ी दादी अपना पानी वानी। दादी सब्जी की मैं बनाई सीखी अच्छी थी, पसंद आई, अच्छी लगी, टेस्टी लगी आए। और ये ठीक कब होगा आपका, ये वाला ठीक कब होगा, हो जाएगा 2 दिन और लगेगा, 2 दिन और लगेगा, अच्छा खोल देगा 15 तारीख को। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लग गई गाइस दादी को चोट, और ये बंदी अपनी देखो घूमती फिरती इधर उधर। गाइस अभी तो फिलहाल फिर मैं अभी भैया खाने का वेट करती हूँ, भैया आएंगे, मैं दीदी और भैया एक साथ खाना खाएंगे, दादी उन लोगों का खाना पीना हो गया, दोनों अब सोने चले, एलिजा का थोड़ा ऑलमोस्ट हो गया है, अगर दोबारा इसने मांगा भूख लगी तो उसको दे दूँगी थोड़ा सा, और अर्शवीर का भी हो गया, अर्शवीर तो सो चुका है, क्योंकि गाइस आज ना वो दोपहर में सोया नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि सुबह से 8 बजे से उठा था स्कूल के लिए, तो तब से उसके बाद से सोया नहीं, इसलिए दीदी ने उसको टाइम से पढ़ा दिया, टाइम से सारा कुछ खाना पीना खिला के उसको सुला दिया है। तब तो फिलहाल भैया के आने का वेट करते, भैया आ जाए फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो हाय गाइस फाइनली भैया आ चुके हैं, नीचे गेट खोल रहे हैं, ठीक है ऊपर भी आएंगे, बड़ी वेट करी मैंने, जिस हिसाब से आज सब कुछ फटाफट हो गया था ना, खाना पीना वगैरह अर्शवीर हो गया था, तो मैं अकेली थी, तो मैं वेट कर रही थी, तब तक मैं ऐसे बुक पढ़ रही थी गाइस, इसीलिए इतने मशक्कत के बाद भैया आ चुके हैं, अभी आए फ्रेश वगैरह हुए कि अपन अभी खाना वाना खाएँगे, आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भैया आ गए, ये देखो इसको देखो स्वागत कर लिया। तो की हाल चाल की मैं बढ़िया, कानों में गाने चल रहे कहीं नहीं सुनाई दे रहे भैया।
ए गाइस देखो आप, लीजा कर क्या रही है, भैया के भी चेकिंग चल रही है मस्त तरीके से। लो थक गई बेचारी। तो है गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हुआ कंप्लीट। खाने पीने में गाइस मैंने और दीदी ने खाया है और भैया ने तो खाया नहीं क्योंकि भैया की वो मुँह में मतलब इन्फेक्शन हुआ था ना प्रॉब्लम। मैं तो बार बार भूल जाती हूँ कि भैया ने खाना नहीं खाना मिर्च मसाले वाली कोई भी चीज़, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है गाइस। भैया ने डॉक्टर दिखाया है दूसरा डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बोला 1 मंथ लगेगा इसको ठीक होने में। मेडिसिन वगैरह लेकर आए हैं भैया, बाहर से लिक्विड चीज़ें कुछ खा के आए थे, तो भैया ने बोला मैंने कुछ खाना नहीं है तुम लोग अपना खा लो। तो वही मैंने और दीदी ने भी जस्ट खाना पीना ख़त्म किया और अब हम जा रहे हैं सोने। भैया भी सो चुके हैं इन द सेंस ऐसे मतलब लेटे हुए अपना फ़ोन वगैरह चला रहे हैं। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 12:30। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आए। गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और गाइस बेल चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल ताकि मेरी आने वाली ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो प्लीज़ सपोर्टिंग गाइस। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।